रामनाथ कोविंद ने आज भिवानी के स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई का किया दौरा। गांव में निर्मित सार्वजनिक सुविधाओं को गांववासियों को किया समर्पित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रदेश में पहुंचने पर किया स्वागत। सुई गांव में कई विकास कार्यों की घोषणा की। केंद्र सरकार ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को आज से खोलने का लिया निर्णय। इस तीर्थ यात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार की जाएगी प्रदान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि ये भारत का स्वभाव और सहज प्रकृति है। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज भिवानी के सुई गांव का दौरा किया। ये गांव देश का सबसे पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव है और इस गांव में नौका चालित झील, स्कूल, सोलर प्लांट, पक्की गलियां, 8 पार्क, 500 लोगों के बैठने की क्षमता का ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया गया है। राष्ट्रपति ने आज इन सभी सार्वजनिक सुविधाओं को गांव वासियों को समर्पित किया। राष्ट्रपति ने हरियाणा को शौर्य प्रधान क्षेत्र बताते हुए कहा कि यहां के लोगों ने जय जवान जय किसान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य ने बेटियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। लगभग 14 साल पहले इसी जिले के भिवानी जिले के केलंगा गाँव, शायद वहाँ पंडित लेखचंद शर्मा ऐसा नाम बताया गया था, उनका गांव भी एक आदर्श गांव घोषित हुआ। और उस गांव को देखने के लिए हमारे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी आए थे। तो मैं ये कह रहा था कि भाई भिवानी जिला तो ऐसा जिला बन गया है देश का कि जिसके गांव को देखने के लिए एक नहीं दो दो राष्ट्रपति आ गए। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में पुरस्कृत हुए ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों में से 22% खिलाड़ी केवल हरियाणा राज्य से थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राज्य सरकार का 205 स्वप्रेरित गांव बनाने का निर्णय एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि अपने गांव की मिट्टी से प्रेम करने वाले लोग अपने गाँव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसका उदाहरण सुई गाँव है। अभी अभी ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा जीत गए, अभी उसके पहले और कई बेटियां हो, चाहे कुश्ती में हो दूसरी, आज हरियाणा साधन समृद्धि में ही आगे नहीं है बल्कि खेल और कुश्ती और इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें आगे बढ़ चढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुई गांव में मुक्केबाजी व एथलेटिक्स अकादमी बनाए जाने और कई विकास कार्यों की घोषणा भी की। स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत से ऐसे आयाम हैं। भिवानी शहर हमारा बिल्कुल साथ लगता है और ये जिला स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा यानी एक संभावना वाला जिला है। यहाँ के खिलाड़ी बहुत पहले भी मेडल लेकर के आते रहे हैं। वैसे हरियाणा के भी हमारे खिलाड़ी सर्वाधिक मेडल किसी एक प्रदेश के देश में आते हैं तो हरियाणा के आते हैं। कहीं 25%, कभी 35%, कभी 40% पूरे जो देश के मेडल है उसमें से केवल हरियाणा के होते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस अवसर पर वन क्लस्टर वन प्रोडक्ट योजना को प्रदेश के 150 खंडों में शुरू किए जाने की घोषणा की। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र के युवाओं को पारदर्शिता के साथ रोजगार दिया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि साधन संपन्न व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का विकास करें। पहला प्रोजेक्ट अगर उस पद्मा योजना में जिसमें वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, एक ऐसी वस्तु जो आपके इस ब्लॉक की हम 50 एकड़ के एक छोटे क्लस्टर में जहां सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजिंग का हो, शिपिंग का हो, कंसल्टेशन का हो, वन स्टॉप सेंटर MSME के लिए बनाया जाए, मैं तो चाहूँगा कि अगर आपका गांव तैयार है तो हम पूरी तौर पर तैयार। बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला था, मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को
अकेली इस लोकसभा क्षेत्र में जहां नौ विधानसभा हैं, केवल ये तीन जो जिले हैं, 100 से ज्यादा तो अभी सब इंस्पेक्टर पुलिस में लगे हैं, लड़के और लड़कियां। जहां कभी एक या दो लगते थे, नई पॉलिसी बढ़ाने के बाद जिन बच्चों में जो बच्चे पढ़े लिखे थे, 100 से ज्यादा आपकी इस क्षेत्र से लगे हैं। जिंदल साहब ने जिस भाव से यहाँ काम किए हैं, इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और हमारे क्षेत्र के जो सेठ हैं, वो आज से नहीं, सैकड़ों सालों से अपने अपने इलाके के अंदर बहुत सारे संस्थाएं बनाई, बहुत सारे विकास के कार्य किए, और उससे हमारे इलाकों को, जिले को बहुत फायदा हुआ है। गुरु पर्व से पहले केंद्र सरकार ने सिख समुदाय के लिए विशेष सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोविड-19 की बेहतर स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को आज से दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर से तीर्थ यात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार प्रदान की जाएगी। मोदी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के चलते बीते साल मार्च 2020 में इस कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के नियंत्रित होते आंकड़ों के बीच मोदी सरकार का ये फैसला बुधवार 17 नवंबर से ही लागू हो जाएगा और सिख धर्म के श्रद्धालु श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र तीर्थ स्थल जा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, इस निर्णय से बड़ी संख्या में सिख तीर्थ यात्रियों को लाभ होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने कल 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने का फैसला लिया है। यह निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे विश्वास है कि मोदी सरकार के करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने के फैसले से पूरे देश में और खुशी आएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कॉरिडोर का पुनः संचालन शुरू करने के काम में गति लाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की। वहीं करतारपुर साहिब कॉरिडोर से तीर्थ यात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार प्रदान की जाएंगी। इससे पहले कई राज्यों के लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीते दिनों मुलाकात करके करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की थी और अब इस फैसले के बाद सिख धर्म के लोगों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार दे इस फैसले तो बहुत खुश हां, सरकार नु मैं बधाई देना। पता लगा भी करतारपुर कॉरिडोर जेड़ा डेरा बाबा नानक है, वो खोलने की मंजूरी गवर्नमेंट ने देती है। ये लोगों के बहुत खुशी की लहर जागी है, यानी कि सारी दुनिया नु ये अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मेनू भी बढ़िया लगा, ये बहुत बढ़िया कदम है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोदी सरकार का धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब के दर्शन हेतु कॉरिडोर को दोबारा खोलने के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं। इस फैसले से दुनिया भर में बसने वाले सिख और नानक नाम लेवा संगत पूरी श्रद्धा और उत्साह से प्रकाश पर्व मना सकेंगे। मैं बधाई देना प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद करना प्रधानमंत्री जी का और सारे ही नानक नाम लेवा लोगों बहुत बहुत बधाई। इस फैसले के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी और गृह मंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि करतारपुर कॉरिडोर को समय से फिर से खोलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दिल से आभार। यह फैसला हजारों भक्तों को गुरु पर्व पर गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थल में पूजा करने का अवसर प्रदान करेगा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज से खुल गया है, जो कोरोना महामारी के कारण पिछले 1.5 साल से बंद था। प्रदेश के सिख श्रद्धालुओं में इस फैसले से काफी उत्साह है। सिरसा जिले के श्रद्धालुओं ने खुशी जताते हुए कहा कि अब वे करतारपुर साहिब तीर्थ स्थल पर जाकर गुरु के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 की दोनों डोज लगानी होना और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। जी मैं तो दर्शन चलिया, मैं तो बहुत खुशी वाली गल है, सरकार दी, मोदी दी, हरियाणा सरकार, पंजाब दी, बहुत बहुत खुशी वाली गल है इन्हां दे। बड़ी भी जेड़े साडे वर्गे बजुर्गों ने भी दर्शन कर लेने गुरु घर दे, बहुत चंगा होया है। जरा सारी संगत वास्ते, सारे नानक नेवा परिवार वास्ते सारा कुछ बहुत अच्छा होया, जरा ये खुल गया
तो हूँ भी अगे नू खुला रहे तो चंगा है। सरकार ने चंगा काम किया, दोबारा तो खोल दिता है, संगत आ जा सकेगी, बस दर्शन कर सके। सरकार का बहुत वधिया कदम है जी, पहलों करोना करके 20 महीने तो ये अपना बंद रहा अपना रस्ता, लेकिन कल ही परसों प्रधानमंत्री जी नाल अपने जो सिख संगत ने मुलाकात की थी, तो उन्होंने बहुत शलाघाजोग काम किया। अज 17 नवंबर तो अब सवेरे अखबार से भी आ गया कि 17 नवंबर तो यह जो है अपना ये अच्छ खुले दर्शन दार हो गए अपने गुरसिखा के। सरकार ने करतारपुर का जो लांघा कोरीडोर द्वारा खोलिया, ये बहुत ही अच्छा एक उपराला है सरकार का। पहला जो खोलिया से उदों भी संगत बड़ी खुशी से, बड़ा चा से, क्योंकि आप अरदास बेनती हर रोज़ ही कहने भी श्री ननकाणा साहब जी धरती है जो सिख पंथ तो विछड़ी हुई है, उस धरती के उत्ते गुरु की संगत हम जो पहुँच दिया ने, उदों भी बड़ी खुशी से, बड़ा चा से सारिया संगतों के। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। समाचारों में लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला में आयोजित हुए 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन भारत में व्यवस्थापिकाओं की शीर्ष संस्था है जो 2021 में अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र भारत का स्वभाव और सहज प्रकृति है। सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने अगले 25 सालों में कर्तव्य मंत्र को चरितार्थ करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 110 करोड़ के टीकाकरण के आंकड़े को पार किया है जो कभी असंभव सा लगता था। उन्होंने कहा कि देश और राज्यों के प्रयासों से ही ये संभव हुआ है और ये समय अपनी सफलताओं को और आगे बढ़ाने का है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो, सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो। केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रशिक्षकों और एथलीट्स को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोचेस के लिए संस्थागत सम्मान समारोह आज रखा गया था और मुझे लगता है इसकी बहुत आवश्यकता इसलिए भी है कि जब भी कोई खिलाड़ी या कोच उपलब्धि हासिल करता है तो उसकी संस्था को उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए ताकि वो और प्रेरणा लेकर आगे और अच्छा कर सके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इसी तरह से अपने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को और बेहतरीन कोचेस को सम्मानित करने का आज काम किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज भिवानी के स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई का किया दौरा। गांव में निर्मित सार्वजनिक सुविधाओं को गांववासियों ने किया समर्पित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रदेश में पहुंचने पर किया स्वागत। सुई गांव में कई विकास कार्यों की घोषणा की। केंद्र सरकार ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को आज से खोलने का लिया निर्णय। इस तीर्थ यात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार की जाएगी प्रदान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि ये भारत का स्वभाव और सहज प्रकृति है। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।